राधे राधे। आशा करता हूँ पिछला सप्ताह आप सभी जातकों के लिए अच्छा रहा होगा। कृष्ण जन्माष्टमी, 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, ये भी हमारे पिछले सप्ताह में थे। हो सक आपने भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना की होगी, उनको मनाया होगा। आपको भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहे, इसी आशा के साथ हम बात करेंगे आने वाले सप्ताह के बारे में। आने वाला सप्ताह डिफरेंट राशि के लिए कैसा रहेगा, बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के स्वामी हैं शनि, शुभ रत्न है नीलम, शुभ दशा है सातमुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है पश्चिम की दिशा। इस सप्ताह सितारे इस राशि के जातकों के साथ हैं। आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे, कार्य क्षेत्र में आपको अधिकारियों द्वारा प्रशंसा भी मिलेगी। वित्तीय मामलों में आपको सावधानी बरतनी है। किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है। आप कहीं घूमने का भी प्लान कर सकते हैं। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए समय अनुकूल है। इस सप्ताह लव लाइफ रोमांस से भरपूर रहेगी। पूरे सप्ताह आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। अपने प्यार को इजहार करने के लिए भी सप्ताह एक अच्छा समय लेके आता है। स्वास्थ्य के हिसाब से सप्ताह थोड़ा अच्छा सप्ताह नहीं है। आपको गंभीर रहने की ज़रूरत होगी, चोट लगने के भी योग है, इसलिए आपको गाड़ी चलाते समय या सड़क पार करते समय सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो देखा जाए तो सप्ताह एक अच्छा सप्ताह है। सप्ताह को और अच्छा सप्ताह कैसे बना सकते हैं, जानते हैं इसके कुछ उपाय। इस राशि के जातकों को चाहिए कि शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी का दर्शन करें। बंदरों की सेवा करना और केले के पेड़ में दूध चढ़ाना इस राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। रोटी पर सरसों का तेल लगाकर गाय को अथवा कुत्ते को खिलाना चाहिए। गाय और बैल को दूध और चावल खिलाना चाहिए। 10 अंधे लोगों को भोजन कराएं। शराब मांस मदिरा से आपको दूर रहना है। चांदी के चकोर टुकड़ों को अपने पास हमेशा रखना है। शनिवार के दिन दूध और काले तिल से पीपल की पूजा करनी चाहिए। शनिवार के दिन मंदिर में दीपदान करना भी इस राशि के जातकों के लिए आने वाले सप्ताह को एक अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार साबित होगा। तो ये था इस सप्ताह आने वाले सप्ताह का राशिफल, कुछ उपाय जो आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं आने वाले सप्ताह को एक अच्छा सप्ताह बनाने के लिए। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि यदि ये आप सारे उपाय ना भी कर पाए, बट आप अपने आचार और विचार में यदि एक तालमेल लेके आए कि आप हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा कार्य करें, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय है जो हमेशा, ये आने वाला सप्ताह ही नहीं, लाइफ के जितने भी सप्ताह आपके आगे हैं, उन सभी सप्ताहों को एक अच्छा सप्ताह बनाने में मददगार साबित होंगे। आपको चाहिए कि जरूरतमंदों की सेवा करें, उनका साथ दें, झूठ से बचें, सात्विक बने, शाकाहारी भोजन करें, मांस मदिरा आदि से दूर रहें, माता पिता की सेवा करना। ये चंद उपाय हैं जो हर राशि के जातकों के लिए आने वाले सभी सप्ताह और पूरे जीवन को एक अच्छा जीवन बनाने के लिए मददगार साबित होंगे। इन्हीं आशा के साथ कि आप इनमें से कुछ उपाय करके अपने आने वाले सप्ताह को एक अच्छा सप्ताह बनाएं। मैं महागुरु गौरव, नमस्कार।